अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको मिस्टर एसएल की एक और नई वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो रवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर से रेसलिंग के मुकाबलों में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, लेकिन इस दफा ना तो मुस्तफा अली वर्सेज जिंदर महाल है और ना ही WWE का मैदान है। याद रहे ये AEW का मुकाम भी नहीं है। तो ये मैच होगा पाकिस्तान के नेशनल ब्रांड का और इंडियन नेशनल ब्रांड का। चैंपियनशिप पाकिस्तान की होगी जो की ऑन द लाइन है, उसे पाकिस्तान में दोबारा वापिस लाना है। और कौन सा पाकिस्तान का ऐसा सुपर है जो कि इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए जा रहा है। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर से रेसलिंग के मुकाबलों में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। इस मुकाबले की एक बड़ी वजह एक टाइटल बना जो कि पाकिस्तानी ब्रांड का था और उसे पाकिस्तान का एक सुपरस्टार लास्ट ईयर ही हार कर पाकिस्तान आ चुका था। और अब पाकिस्तान के एक सुपरस्टार जिनका नाम जॉर्डन है, वो जाएंगे इस चैंपियनशिप को पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से वापस लाने, क्योंकि ये जो टाइटल है जिसके लिए मैच होने जा रहा है वो पाकिस्तान के ही नेशनल ब्रांड का है। तो आइए इसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं। तो ये मैच हमें 4 दिसंबर को यानी कि आज से 3 दिन बाद नेपाल के शहर काठमांडू में देखने को मिलेगा, जहां पर भारत से गोपाल शर्मा जो कि REW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के REW के सुपरस्टार जॉर्डन हर जो कि REW के ईस्टर्न चैंपियनशिप को होल्ड करते हैं, इन दोनों के दरमियान हमें टाइटल वर्सेज टाइटल मैच देखने को मिलेगा। इस मैच की अगर हम स्टिपुलेशन की बात करें तो हाफ स्टिपुलेशन जो है वो है नो होल्ड बैरड मैच, मतलब यहाँ पर आप किसी भी वेपन्स को यूज कर पाएंगे और ये मैच डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जबकि हाफ इसकी स्टेपुलेशन उससे भी ज्यादा डेंजरस है कि अगर जॉर्डन इस मैच को हारते हैं तो ना सिर्फ वो उस चैंपियनशिप को पाकिस्तान में लाने में नाकाम रहेंगे जो कि पाकिस्तान की है, बल्कि एक और चैंपियनशिप जो कि उनके पास है REW ईस्टर्न चैंपियनशिप, वो भी इंडियन सुपरस्टार को दे आएंगे। तो यहीं से पता चलता है कि ये मैच कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियनशिप दांव पर लगी हुई है जो कि एक पाकिस्तानी सुपरस्टार लॉस कर आया था, और दूसरी चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगी। तो जॉर्डन हर की अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें जो कि काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू गोपाल शर्मा, क्योंकि जॉर्डन को इंटरनेशनल मैच खेलने का काफी ज्यादा एक्सपोजर हासिल है। ये WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रेनो के आगे भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश कर चुके हैं, और जिस मैच में जॉर्डन हर और रहीनो एक दूसरे के आमने सामने थे उस मैच को जॉर्डन हर ने जीता हुआ है। तो इससे अगर जॉर्डन हर का अगर हम एक्सपीरियंस और एक्सपोजर देखें इंटरनेशनल मैचेस का, वो काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू गोपाल शर्मा। लेकिन गोपाल शर्मा ने भी पाकिस्तानी सुपरस्टार को हरा कर REW वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम किया हुआ है जो कि इस वक्त इंडियन सुपरस्टार के पास है। तो ना सिर्फ मैं अपने फॉलोअर्स बल्कि अपने साथी यूट्यूबर्स फॉलोअर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैच की प्रमोशन आप लोग भी कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये नेशनल ब्रांड है, इसको भी सपोर्ट करना हमारा हक बनता है। तो मिलते हैं फिर हम इसी उम्मीद के साथ कि जॉर्डन हर ना सिर्फ अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करके आए बल्कि ड्यूल चैंपियन बनकर पाकिस्तान में दोबारा कदम रखें। तो मेरे आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जाने से पहले अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।